तो हेलो गाइज, आप सभी लोगों का स्वागत है एंग्री ब्रदर्स ऑफिशियल की न्यू वीडियो में। तो गाइज, आज मैं बात करने वाला हूँ, जैसा कि थंबनेल आप लोगों ने देखा है, फ्री फायर अनबैन के बारे में। मतलब कि आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई अनबैन हो गया है क्या, तो ऐसा कुछ नहीं, मैं बता रहा हूँ। वैसे आप लोग अभी हाल फिलहाल में देखे होंगे मोदी जी का एक वीडियो रहा होगा, जिसमें बोले होंगे गेमिंग में हमारा जो इंडिया है टॉप 5 के लिस्ट में आता है। तो कुछ लोग बोलेंगे कि भाई इससे क्या मतलब है। तो गाइज, मैं बता दूं कि कुछ लोग यही वीडियो यूज करके अभी बोल रहे हैं कि भाई फ्री फायर अनबैन होने वाला है। लेकिन गाइज, ये बता दूं कि ये वीडियो कम से कम एक और डेढ़ साल पहले का वीडियो है। गाइज, फिर आप बोलोगे कि फिर ये लोग झूठ मूठ में बोल क्यों रहे हैं कि फ्री फायर अनबैन होने वाला है या फिर ये। तो गाइज, मैं बता रहा हूँ। गाइज, ये देखो, मैंने गूगल पे सर्च किया, द कंट्री ऑफ इंडिया ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड ई स्पोर्ट्स एज मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट 23 दिसंबर 2022। इसका मतलब समझे आप लोग, इसका मतलब गाइज, जो हमारी कंट्री इंडिया है उसमें ई स्पोर्ट्स को अलाउ कर दिया गया। गाइज, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, इंडियन ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री वेलकम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज ऑफ ई स्पोर्ट्स। गाइज, आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हो फ्री फायर ई स्पोर्ट्स BGMI और फ्री फायर भी यहाँ पे है। मतलब कि फ्री फायर चैंपियनशिप जो चल रहा था वो भी यहाँ पे है। तो गाइज, अभी भी हमारे पास कुछ चांसेस है, मतलब कि होप कर सकते हैं कि भाई हमारा फ्री फायर जो है वापस आ सकता है। गाइज, आई होप हमारा फ्री फायर वापस आ जाए। तो गाइज, मैं तो बहुत खुश होने वाला हूँ कि अगर फ्री फायर आ जाएगा तो गाइज, मेन बात यहाँ पे सब निकल के ये आता है कि भाई इंडियन गवर्नमेंट ने ई स्पोर्ट्स को अलाउ कर दिया है। मतलब कि जो ऑनलाइन गेम्स है, टूर्नामेंट, BGMI हो गया, अपना फ्री फायर हो गया, वो सबको अलाउ कर दिया है। तो गाइज, हमारे पास कुछ चांसेस है कि फ्री फायर जो है इंडिया में आ जाए। तो गाइज, हम होप कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर से मिलेंगे एक न्यू वीडियो में।